हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तमीद करती है सब ठीक होंगे आपकी दुआ से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। तो यहाँ आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे कपड़े, और यहाँ मैंने इतने सारे वॉश किए कपड़े, और मैं कल से धो रही हूँ कपड़े, और कल मैंने इतने कपड़े धोए, रात से मैं धो रही हूँ कपड़े। तो इतने कपड़े, इतने कपड़े, इतने कपड़े, तो व्यूअर्स बोलती हैं एक ही बात बोलती, एक ही बात बोलती। तो सच में कल से मैं धो रही हूँ कपड़े, कल रात से धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े थे मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पिछले हफ्ते नहीं धोए थे पानी की वजह से, तभी पानी आ गया था। तो मैंने जल्दी से बोला कि रात को मैंने, क्योंकि सुबह जो है लाइट नहीं टिकती, तो 3 दिन से पहले जो है हमारी लाइट नहीं थी, तो इसी वजह से ना मैंने कपड़े वगैरह नहीं थे धोए। तो मुझे ना बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत मतलब कि मैं परेशान हो रही थी, मतलब कितने जमा हो जाएंगे। आप सबको पता है जैसे सर्दी में मौसम भी चेंज हुआ और नज़ला मुझे इतना ज़्यादा लगा, तभी मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। तो हमारे घर पे कौन आया वो भी आपको दिखाते हैं और उनसे मिलवाते हैं, और आप सबने बहुत सारी दवाएं करनी कि मेरी तबीयत जल्द से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नज़ला हो रहा है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अभी अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं कौन कौन आया। तो यहाँ देखें कितने कपड़े मैंने वॉश किए हैं, और शुक्र है खुदा उनका, सारे मैं रात से धो रही थी तो सारे कपड़े जो है ना धुल गए, तो मैंने शुक्र किया सारे कपड़े मेरे धुल गए। तो रात को 8:30 बजे मैंने मशीन लगा ली थी, तो 10 बजे लाइट चली गई, तो फिर मैंने ना, फिर 1 बजे आती है लाइट, तो उसकी वजह से मैंने ना जो ना थोड़े से हाथ से धो लिए, थोड़े मशीन में धो लिए, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी डूब जाए, क्योंकि पानी लगा हुआ है, तो ना पानी कपड़े धो के साथ ही पानी भरा जाए। अंदर चलते हैं, तो अभी अंदर जाते हैं। क्या मिलवाती बैक करके मिले मामू मामी से, मामू तो पीछे, मामू बंद करो आवाज थोड़ी कम करो, मामू आवाज कम करो थोड़ी, और हेलो हमारी है चुस्ती नगर, क्या है ये चुस्ती नगर है ये। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? जॉनसन बिटी का। तो ये है धोखेबाज बंदा। कौन सा? धोखेबाज बंदा। धोखेबाज तो मुझे फ्रेश करवा के रेड कलर का मैंने नया सूट पहना, रेडी हो गई। मिशेल ने मना कर दिया, गैस नहीं आ रही हमारी, गैस चली जाती 9 बजे, बस 9 बजे गैस चली जाती है। और मैंने मामू को बोला था आप 5 या 6 बजे तक आ जाना। नहीं 9 बजे अम्मा मैंने फोन करा रहा है मामू, 9:30 गल हुई है। हाँ तो पूरे 9 बजे, पहले 10 बजे गैस जाती है, फिर आजकल ना 1-2-3, तो 2-3 दिन हो गए 9 बजे गैस चली जाती है। मैं ना भाभी मीना भी नहीं थी ठीक, उधर गई उनका खाना वगैरह बनाया, फिर अपना आके मैंने कहा ये ना हो शहजाद अचानक से आके कह दे कि देर हो गई है, मैंने नहीं जाना। हाँ। तो फिर हालांकि मुझे शहजाद ने कहा था कि खाना वगैरह कुछ ना बनाना, मिशेल के घर जाना है। तो मैंने मैं तो दादी पहले यही सोचती रही ना, जाहिरा उधर जाना, जाहिरा उसने खाना बनाया होगा, मैंने कहा किया मैम फकीरा भी ना गई थी उधर से चिकन लेने गई, चिकन भी एक पाइया मिला क्योंकि खत्म हो गया। अच्छा तो देर टाइम हो गया था, पाइया ही मैंने मसाला वगैरह ऐड करके चिकन फ्राई कर दिया, आटा गूंथ के मैंने रख दिया। जैसे शहजाद आए मैंने पूछा तो आपसे बात हो रही थी, आपने फिर बताया ऐसे ऐसे बात है, फिर ये शहजाद कह रहे थे नहीं मैंने नहीं जाना अब रहने का, खाना लेके आओ। फिर मैंने जल्दी जल्दी मूली काटी, प्याज काटा, जल्दी जल्दी परांठे बना के शहजाद को दिया मैंने, शहजाद ने। अच्छा जी, तो यहाँ बैठी है दादी। हाँ जी दादी, तबीयत ठीक है? हाँ शुक्र है खुदा का। और यहाँ अम्मा बैठी हुई, तो अम्मा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, अम्मा के भी दवाई वगैरह लेके, अम्मा के सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, और ना वो हो रहा है अम्मा सीना जाम ना, और अम्मा का सीना जाम इतना, और बुखार इतना ज्यादा तेज हो रहा है, हम आगे इतने परेशान हो गए थे। मैंने ना शहजाद को पहले ही सुबह कह रही थी, मैंने कहा चला हुआ 2-3 दिन हो गए अम्मी नहीं आई, अम्मी के पास चले। साथ ही ना शहजाद ने अम्मी को कॉल कर दी, अम्मी से बात हुई तो अम्मी का हमने मुंह देख लिया क्योंकि पता चल गया वीडियो कॉल कर। हाँ देखो नानू की ना फेस देख के कितना, 2 दिन से नानू ने खाना भी नहीं खाया, इतने ही ना वो खाया नहीं जा रहा खाना ना, 3 दिन हो गए ना, 3 दिन हो गए। उस दिन दादी का पता करने आई थी नानो, हफ्ते वाले दिन आई थी, जुम्मे दिन वाले तो दुआ थी ना घर पे, और कल संडे वाले दिन। हाँ हाँ, कल 32वें करवाने थे बच्चों के, मखसूसियत थी उनकी चर्च में, तो फिर आई थी। और यार इसका काम देखो, ये बंदा क्या, ये क्या कर रहे हैं मामू? तो जोया भी साथ आई, तो मैं बना रही हूँ खाना, मैंने बोला जल्दी जल्दी से दोपहर का टाइम है, जल्दी जल्दी से बना लो दाल चावल। तो यहाँ मैंने दाल रख दी ऊपर, और लगता है मुझे ना चूल्हा बंद हो गया, अभी चूल्हा जलाते हैं तो फिर दिखाते हैं।
हाँ मेरा बन गया खाना, और यहाँ बस अभी खाना नहीं बना, अभी सिर्फ बनी है दाल, और दाल बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने ज़ीरा भी ऐड किया, ज़ीरे और लहसुन का और मिर्चों का तड़का लगाया, मोटी मिर्चें का और ज़ीरे का और लहसुन का तड़का लगाया। और ज़ोया मेरे यहाँ पास बैठी, क्या कर रही हो है, क्या खा रहे हो? तो यहाँ मैंने प्याज कट कर लिए हैं जल्दी से, और अभी रखते हैं ऊपर चावल, यहाँ चावल भी चुन लिए, सब कुछ कर लिया, अभी जल्दी से दाल उतारते हैं, फिर रखते हैं चावल ऊपर। पे आप देख सकते हैं कि मिशेल जो है ना, हमने हालांकि मिशेल को कहा भैया हमें जाने दो जाने दो, क्योंकि हम स्पेशल नहीं थे आए, मम्मी की दवाई लेने स्पेशल यहाँ नहीं आए, स्पेशल ज़्यादा आए थे हम मम्मी की वजह से, मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो मिशेल फिर कह रही थी कि नहीं मामू ऐसे नहीं, हमने आपको मामू और मामी जाने देना, खाना खा के जाना। यहाँ पर मिशेल ने दाल वो चावल रेडी कर लिए, यहाँ पर दाल। तो अभी विवश ये सब खाना खाते हैं, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं दोबारा। तो जी बस यहाँ सब खा रहे खाना, और हाँ जी मामू कैसे बने? बहुत टेस्टी बने। और मामू तो बड़ी बात है, ये पसंद की डिश है, ये पसंद की डिश है। अच्छा तो मैं मामू ने बोला था मुझे ना जड़ा ना दाल ना तीखी रखना है ना, तो मैं बहुत अच्छी बनी, तो मैंने ना तीखी रखी है मामी मुझे। हाँ जी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। अच्छा अम्मा अगर मेरे तो मुझे भूख भी बहुत लगी थी, भूख भी बहुत लगी थी, क्या था अम्मी की दवाई लेने के लिए आ गए थे, तो फिर आपने हमें जाने नहीं दिया, आपने बोला कैसे नहीं जाना। हाँ मैंने बोला भाई दोपहर हो रही, तो दोपहर का खाना खा के जा रहा, फिर भी अभी शाम हो गई है, बनाते बनाते गैस क्योंकि कम हो गई थी, उसके बाद गैस भी कम हो गई थी दादी। हाँ, अभी जाने वाली है गैस, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बना लिया के ना, मेरी जो ये डर था कि चावल रह ना जाए, चावल बनते हो चूल्हा बंद हो जाए ये ना, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बना लिया। लाओ मैं दाल और चावल डाल के लेके आऊँ, शुक्र है हमारी गैस आती है, तो इसलिए सिलेंडर नहीं रखा मिशेल ने। नहीं कल परसों हम सिलेंडर ले आएंगे, क्योंकि रात को चली जाती है गैस, सोनी आते हैं रात को, दिल करता चाय भाई चाय पीने का, सोनी रात को लेट आते हैं ना, एक बारह बजे दस बजे गैस चली जाती है, दस की वजह से। तो अभी खाते सब खाना, तो खाने के बाद मिलते हैं। वगैरह खा लिया और मामी लोग जा रहे हैं, और अंदर अंधेरा आ रहा है, हाँ काफी ज्यादा है ना, 6 बजने वाले मामी अब वो भी घर पे हैं, फिर घर जाके खाना वगैरह तैयार करती हूँ। अच्छा कुछ ना कुछ बना लूंगी, क्या पता है आलू फ्राई कर ले हम भी रात के तरह। तो अब जाना नहीं हमने उधर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है ना, काफी ज्यादा। और अच्छा बना था खाना? हाँ बहुत अच्छा बना, मुझे तो इतनी भूख नहीं थी, मेरे बूट किधर फूटे, बूट जोया ने अम्मा तेरी रखे होने ने, कहाँ है कहाँ जो है शूज अम्मा के? हाँ जी जा रहे हो? हाँ जी बस निकले यार। क्यों क्यों जा रहे, रुक जाओ रात रात नहीं पीछे मेरा पापा, रुक जाओ नहीं रात नहीं, मैं तो बोल रही हूँ। और यहाँ नाने नानो की शुक्र है खुदावन का, थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इन्होंने दवाई वगैरह खाई है नानो, अभी ठीक है, अभी जा रहे हैं। मंगू पाल के घर पे जाओगे, माम शहजाद के साथ जाओगे? मंगू पाल के घर पे जाओगे, तो सुबह उसने बुलाया डॉक्टर ने? नहीं मैं 2 दिन की दवाई, 2 दिन के लिए। अच्छा कहाँ रखी, छोड़ दे मोती इधर, दे मुझे दे ये ना, ये मेरे सूट के मोती, तुझे क्या पता हो, ये ना मेरे मोतियों को छेड़ते जा रही। और शुक्र है खुदा का मैंने कपड़े धो लिए, तो अभी तक 4:30 बजे लाइट आनी, 6 बज गए लाइट नहीं आई अभी तक, तो ये ना उठाई जा रही, तो मैं सोच रही इसे ना साइड पे कर लूँ ना। क्या अम्मा के बूट, तो अम्मा के शूज इसने रखे हैं ना, जोया ने कहाँ रखे, अभी मैं ढूंढ के देती हूँ, पता नहीं इसने कहाँ रख दिए यहाँ।